नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फिलाना ढिकाना और मैं आया हूँ फिलानी ढिकानी कंपनी में। मेरे हाथ में देख रहे हो ये ईंट बनाने का सांचा है, बिल्कुल सोने का, प्योर सोने का। मेरे पीछे जितने भी सांचे लग रहे हैं ये जो है प्योर चांदी के हैं। जी हाँ, इस सोने के सांचे को आप बिल्कुल फ्री के भाव में खरीद सकते हैं। भैया प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का है, लेकिन भैया मुझे तो कंपनी वाले ने पैसे दिए वीडियो बनाने के लिए, मुझसे कहा है कि उसको सोने का बताना है, लेकिन ये तो प्लास्टिक का है। दोस्तों जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात ये बताना चाह रहा हूँ, अगर ये प्लास्टिक का साँचा है मात्र 35 रुपये का है, 34 का है, 40 का है, 50 का है, A to Z कितने का भी है, लेकिन उनको ये बताना चाहिए, बिल्कुल क्लियर बताना चाहिए कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये प्लास्टिक का है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और इस सांचे की इतने साल की गारंटी है, ये क्लियर बताना चाहिए। आज पूरी वीडियो में बिल्कुल आपको सही से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, प्लास्टिक के सांचे को सोने का बताना। जो पेपर ब्लॉक का सेटअप 5 लाख रुपए में जो है बिल्कुल रेडी होता है, तैयार होता है, उसको 2 लाख रुपए में बताना, गुमराह करना। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं किसी यूट्यूबर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि पब्लिक को, दर्शकों को सच्चाई बताओ। क्या पता किसी के पास 3 लाख रुपए, आपने 3 लाख रुपए का उसको प्लांट बताया, बाद में पड़ गया 6 लाख का, तो किससे उधार मांगता फिरेगा बेचारा वो गरीब इंसान, जाने कहां कहां से पैसा लाया, लोन लेकर लाया, कर्जा करके लाया, घरवाली के जेवर जट्टे बेच के लाया। पूरी जानकारी वीडियो में मिलेगी। अगर आज आप वीडियो में रुक गए ना भाई साहब और पूरी वीडियो आपने देख ली ना, तो सही बता रहा हूं, जिंदगी में कभी घाटा नहीं जाएगा, भले वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो। जो ये यूट्यूबर है क्या करते हैं क्या नहीं करते, जी हां, क्योंकि कंपनी पैसा देती है, जो कंपनी बोलती है वही ये जो है हेलो 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 करके बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो पूरी जानकारी वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। दोस्तों आज दिवाली के शुभ अवसर पर मैं आपको बिजनेस का एक ऐसा कड़वा सच बताने वाला हूं जो शायद ही किसी ने बताया होगा, कोई भी कंपनी आपको बताती नहीं है। हर इंसान यही चाहता है कि बस मेरा 2 रुपए का फायदा हो, बाकी भाड़ में जाए दुनिया। दोस्तों मैं जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है और जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूं, उन वीडियो में मेरा सिर्फ एक उद्देश्य होता है और एक लफ्ज होता है मेरी जवान पर, वो होता है भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे मजदूर भाई, मेरे गरीब भाई। दोस्तों आप सब मेरे भाई हो। आज मैं आपको बिजनेस का एक ऐसा कड़वा सच बताने वाला हूँ जो ही शायद आज तक किसी ने बताया होगा, ना ही किसी कंपनी ने बताया होगा। दोस्तों आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, पेपर ब्लॉक के मोल्ड हैं, सीमेंट की ईंट बनाने के मोल्ड हैं, जी हाँ, जमीन की टाइल बनाने के मोल्ड हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप पेवर ब्लॉक का बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है और जो है कंपनी वाले क्या चीज़ नहीं बताते हैं आपको, जिससे आपको बाद में बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन आपका भाई आज दिवाली के शुभ अवसर पर आपको बिल्कुल जो है खुल के बताएगा, सारी जानकारी बताएगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है भाई। भले ही आप गरीब हो या फिर अमीर हो, या फिर आप कम पैसे से बिजनेस को शुरू करना चाहते हो, या फिर आप ज़्यादा पैसे से बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आपको मेरी बात को सुनना होगा आज और अच्छी तरह से समझना होगा, तभी आप जो है एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे और एक अच्छा जो है बिजनेस शुरू कर पाएंगे। दोस्तों कंपनी वाले जो होते हैं वो अक्सर क्या कहते हैं, जैसे कोई भी सेटअप हुआ पेवर ब्लॉक का या फिर कोई भी प्लांट हुआ, उस प्लांट को जैसे आपको बता दिया 1,20,000, 1,50,000, 2 लाख रुपए, ठीक है, ये तो हो गया उनका सेटअप। लेकिन किसी भी कंपनी ने कभी ये नहीं बताया आपको कि इसमें खर्चा कितना आएगा, बस वो अपना माल को बेचने के लिए 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए जो भी उनके वाउचर्स होते हैं वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। आप कंपनी में जाते हो लेकिन कभी आपको ये नहीं समझाते कि आपको टोटल खर्चा कितना आएगा। बहुत सारे कमेंट आए मेरी वीडियो पर, लोग मुझसे कह रहे थे सर आप क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को, पूरी बात क्यों नहीं बताते। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आपको जो है खुलकर बात बताना जो है वो मुनासिब रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि जो है बहुत से हमारे भाई पूरी बात को नहीं समझ पाते, इसलिए उन्होंने शायद कमेंट किया होगा। इसलिए आज दिवाली के शुभ अवसर पर मैंने ये वीडियो अपलोड की है। देखिए जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, जैसे ये जितने भी मोल्ड लगे हुए हैं, जैसे आई डंबल है और इधर जितने भी हैं, ये सारे मोल्ड हैं पेपर ब्लॉक के। जैसे आप किसी भी कंपनी में जाते हो या मेरी कंपनी में आते हो तो आपको ये बताया जाता है कि 1,50,000 रुपए में सर आपको पूरी मशीनें दी जाएंगी, मोल्ड दिए जाएंगे, हार्डनर, केमिकल और जो जो जरूरत की चीज होती है वो सब आपको दी जाएंगी। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता कि इसके बाद जो खर्चा है वो कितना आएगा। तो दोस्तों अच्छी तरह से मेरी बात को समझ लीजिए, जैसे मान के चलो 2 लाख रुपए में आपने पेपर ब्लॉक का जो है प्लांट लिया, पूरा इसका सेटअप खरीदा, वाइब्रेशन टेबल खरीदी, कंक्रीट मिक्सर खरीदा,
कलर पेन मिक्सर खरीदा, हार्डनर केमिकल प्लाइया ए टू जेड जो भी जरूरत की चीज होती है ईंट को बनाने के लिए टाइल्स को बनाने के लिए वो आपने ले ली। मेरी कंपनी हो या किसी की भी कंपनी हो वो जो अपने बाउचर में जैसे 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख इस तरह के बाउचरों को बना के रखते हैं, लेकिन होता क्या है जैसे मान के चलिए मैंने हर वीडियो में कहा है कि ये ईंट बनाने का साँचा है इसकी कीमत मात्र 35 रुपये है। मैंने बताया ना आपको हर वीडियो में ये चीज़ मैंने समझाई, जब भी आप इसको परचेज करते हो मुझसे खरीदते हो तो ये जो साँचा है 41 रुपये 30 पैसे का हो जाता है। अच्छी तरह से समझना है आज मेरी बात को, आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपने अच्छी तरह से आज नहीं सुना ना बहुत बड़े घाटे में जाओगे। और जो है मुझे कभी कॉल मैसेज मत करना कि सर आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई और आपने समझाया क्यों नहीं। ठीक है, आपके कॉलों के आधार पर आपके कमेंटों के आधार पर मैंने ये वीडियो अपलोड की है। ठीक है, अच्छी तरह से समझना है बिजनेस की परिभाषा। जैसे ये 35 रुपये का मोल्ड है GST लग के 41 रुपये 30 पैसे का हो जाता है। अब हमारे भाई कहते हैं सर एक बात बताओ, आपने तो हमें 35 रुपये बताया, जो मैं ईंट बनाने की मशीन के बारे में बताता हूँ वो 35,000 45,000, जब उस पर GST लगती है तो लोग यूँ कहते हैं सर आप तो बेईमान हो। तो दोस्तों होता क्या है GST वगैरह जो है वो अटैक्स होता है उसको बताया नहीं जाता, किसी पर 18% होता है या फिर किसी पर 12% होता है, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से वो टैक्स होता है। ठीक है, तो यही जानकारी जो है आपको आज अच्छी तरह से समझनी है और पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए किसी ने आपसे कहा, किसी कंपनी ने कहा कि 2 लाख रुपए में हम आपको पूरा सेटअप देंगे, अब 2 लाख रुपए की GST लगा लो पहले तो। ठीक है, सबसे पहले 2 लाख रुपए की GST कितनी होती है, 2 लाख रुपए तो वो हो गए, उसके ऊपर जो 18% भैया GST लगेगी ना वो भी आपको देनी पड़ेगी। कोई भी दुकानदार जी हाँ कोई भी कंपनी वाला आपको जो है बिना GST के नहीं देगा, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अब सपोज मान के चलिए कोई कंपनी वाला कहता है कि भाई 2 लाख रुपए में आपको जो है हम पूरा सेटअप बना के देंगे, ठीक है सब कुछ देंगे। अब एक बात बताओ दोस्तों, इसमें 2 लाख रुपए नहीं 5 लाख रुपए का है, ये कितने का है, ये 2 लाख का नहीं है 5 लाख रुपए का है। अब कैसे है 5 लाख रुपए का, अच्छी तरह से मेरी बात को आपको समझना है। जैसे आपने 2 लाख रुपए प्लस 18% GST से आपने सामान खरीद लिया, ठीक है कंपनी ने आपको दे दिया, अब कंपनी वाला आपसे कहेगा कि भैया इसको लेके कैसे जाओगे, भैया सर पे तो लेके नहीं जाएंगे। जैसे मैं ही किसी कंपनी में मान के चलो मशीनों को खरीदने जाता हूँ तो मैं अपने सर पे थोड़ी रख के ले जाऊँगा भैया, वो तो ट्रांसपोर्ट से जाएगा, उसके लिए गाड़ी होगी पूरी। जी हाँ, छोटी मोटी गाड़ी नहीं होती, पूरे सेटअप के लिए बड़ी गाड़ी होती है। अब हम गाड़ी वाले से जो है कंपनी वाला बात करेगा, भैया मतलब बिहार के लिए, मिसाल के लिए आपको समझा रहा हूँ, जैसे बिहार के लिए पटना के लिए जाना है, भैया कितना पैसा लोगे, मशीन वगैरह है और 3-4 मशीनें हैं ड्रम है ये, तो वो कहेगा भैया 80,000 रुपये लगेंगे। कितने लगेंगे, 80,000 रुपये लगेंगे। 2 लाख रुपए का प्लांट हो गया, 18% उस पर GST हो गई, भैया अब उस ट्रांसपोर्ट वाले को भी दो, ठीक है तो वहाँ भी दे दिया, GST भी दे दी, कंपनी वाले को भी दे दिया, उसके ऊपर जो GST लगी वो भी दे दी, और भैया जो भी ट्रांसपोर्ट का पैसा लगता है वो भी मतलब आपको देना पड़ेगा। ये तो हो गया यहाँ का, कहाँ का, जब आप कंपनी में माल को खरीदने जाओगे। अब इसके आगे की प्रक्रिया सुन लीजिए, मान के चलो कि 2 लाख की जगह 3 लाख रुपये का सौदा तो आपका यही हो गया मोटा मोटा, ये मान लो GST वगैरह ट्रांसपोर्ट लगा के, ठीक है भैया। उसके बाद फिर आपको जो है जो डस्ट होता है वो लाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपको गिट्टी होती है वो लानी पड़ेगी, OPC का सीमेंट लाना पड़ेगा। भाई लोगों ऐसा तो है नहीं है कि मान के चलो कि भाई कोई परचूने की छोटी मोटी दुकान खोल ले हो, उसमें आप जो है 10-20 हज़ार रुपये का अगर ले आएंगे रॉ मटेरियल, जब आप 2 लाख रुपये का प्लांट ले रहे हैं मेरे भाइयों तो आपको जो है 1 लाख रुपये का कम से कम उसके अंदर रॉ मटेरियल चाहिएगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा रॉ मटेरियल लेते हो ना वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, अगर आप जो है मतलब होलसेल में लेते हो जैसे पूरी गाड़ियों को मंगाते हो वो आपको सस्ता पड़ता है। कम से कम इतना तो लेना पड़ेगा जिससे आपने जो सेटअप लगाया है जो 1,000-2,000 जो है ब्लॉक डेली के निकल सके, तो आपको जो है होलसेल में वो आपको लेना पड़ेगा, जितना भी रॉ मटेरियल है वो आपको होलसेल में लेना पड़ेगा, कम से कम 1 लाख रुपए पाओगे भैया, कम से कम बता रहा हूं। आप पूरा ही मतलब रॉ मटेरियल खरीदोगे सीमेंट वगैरह सब कुछ तो ठीक है 4 लाख रुपए पूरे हो गए। अब भैया कोई भी इंसान अगर बिजनेस करता है तो 1,50,000 रुपए तो उसकी जेब में होना जरूरी है, जब मतलब 4 लाख रुपए थे 4 लाख ही लगा दिए और बाद में कुछ नहीं लेना देना, तो 1 लाख रुपए भैया जेब में भी चाहिए। जब भी हम बिजनेस को शुरू करते हैं 50 चीजों की हमें छोटी मोटी जो चीजें होती हैं उनकी हमें जरूरत पड़ती है। अब टोटल कितने हो गए 5 लाख, ठीक है कंपनी वाले ने कितना बताया 2 लाख, ठीक है लेकिन पैसा कितना लगा आपका 5 लाख। अगर आपके पास मान के चलो भैया 3 लाख रुपए हैं और 2 लाख रुपए में आपने सेटअप ले लिया, ट्रांसपोर्ट GST लग के 3 लाख रुपए तो वहीं बराबर हो गए, तो भैया बाद में उन मशीनों का क्या अचार डालोगे, क्या लोगों से उधार लोगे पैसे, भैया जिसके पास भी पैसे मांगने जाओगे ना वो यूँ कहेगा वो अपना हो या पराया हो, भैया बिजनेस मुझसे पूछ के किया था क्या, भैया मेरे बलबूते पे किया था, तूने बिजनेस किया अपने बलबूते पे, तो भैया मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे, टोटल मिला के जो है बहुत ज़्यादा आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो कहने का उद्देश्य आज वीडियो में सिर्फ ये है
जैसे कहते हैं ना भाई कहावत है कि जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है दोस्तों, आज मेरा जो बताने का जो उद्देश्य था, आपको समझाने का जो उद्देश्य था और इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य था, वो सिर्फ यही था कि आपको मैं ये समझा सकूं बिजनेस जो है कैसे होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब भी आप बिजनेस को शुरू करें तो एक बात जो है सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी कि जिस भी बिजनेस को आप कर रहे हैं उसकी पहले आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है अच्छी तरह से कंपनी वालों से, कि भैया 2 लाख रुपए में आप जो सेटअप बता रहे हो ये 2 लाख का ही है ना, ऐसा तो नहीं है इस पर कोई GST लगेगी, या भैया ट्रांसपोर्ट का पैसा किसका होगा, और अगर होगा तो कितना पैसा लगेगा, 10,000 लगेगा, 20,000 लगेगा, 50,000 लगेगा, तो ये पूरी जानकारी आपको ले लेनी है, उसके बाद बिजनेस करना है। ठीक है, मेरा काम होता है समझाने का, मैं आपको सही गाइड करता हूँ, सही दिशा में ले जाता हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज दिवाली है दोस्तों, सबको जो है दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, आज दिवाली का टाइम है, हम पटाखे फूटेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कोई अन्य टॉपिक के साथ, अपने भाई को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।